गीत भाव पक्ष का आप सभी को सुना रही हूँ। और भैया जी आप भी सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है क्या? क्या खुशी निवेदन कर रही हूँ, गीत को सुने आप सभी लोग। और आदरणीय जानकी रमन जी आप भी सुनिएगा। 101 मुद्राएं हमारे लिए और 101 मुद्राएं हमारे उमेश भैया के लिए। ये हमारे भैया राजकुमार भैया छोले भटूरे वाले कचहरी चौराहा भैया की ओर से आशीर्वाद आया। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। सुने आप हाँ पहले सुन लीजिए। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा भैया केवट ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे पैर धोना चाहते हो धो लो, लेकिन मुझे गंगा पार जाना है, मुझे देर हो रही है, मुझे पार कर दो। और जब भगवान श्री राम के चरणों को धोया केवट ने तो देखिए केवट कहता क्या है, क्या कहता, कहने लगा क्या? चरण प्रभु Yeah।
कैसा ऐसा क्यों कहा केवट ने? क्यों बेटा क्यों? केवट बोला प्रभु याद करिए जब पिछले जन्म में मैं कछुआ हुआ करता था तब मैं आपके पैर छूने आया सिरहाने से आया तो शेष नाग ने फुपकार के भगा दिया पैरों की तरफ से आया तो मां लक्ष्मी ने दुत्कार के भगा दिया पहले मैं आपके पास आया था लेकिन आज मेरा सौभाग्य कि आप मेरे पास आए हैं तो केवट कहने लगा इन्हीं पैरों को छूने को देखिए केवट कहने लगा क्या? कि जब मैं कछुआ हुआ करता था तब इन्हीं पैरों को छूने को मैं जल में पैर कर आया इन्हीं पैरों को छूने को मैं जल में पैर कर आया कछुआ था इसलिए पैर कर आया लेकिन फिर भी पैर करके भी पैरों से अरे पैर करके भी पैरों से मगर ना पैर छू पाया क्या बात है बेटा वाह मैं पैरों से पैर कर आया लेकिन फिर भी पैर नहीं छू पाया तो आज आज उन पैरों में फिर से अरे ठिकाना मिल गया मुझको आज उन पैरों में फिर से अरे ठिकाना मिल गया मुझको आज लखन समेता कहेऊ सब प्रेम ले उतराई तो केवट चरण कहेऊ अकुलाई केवट ने उतराई लेने से मना कर दिया क्यों मना कर दिया केवट कहने लगा प्रभु मुझे उतराई नहीं चाहिए बस एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कहा केवट ने क्या बेटा आज मैंने आपको गंगा के पार उतारा है मेरा आपसे निवेदन है प्रभु घाट पर आपके आऊं
डॉक्टर जैसा गणित बजाने में किसी का जोड़ नहीं है। तुम्हारे ढोलक बजाने से आधा पाकिस्तान सफा हो गया। केवट कहने लगा, प्रभु ये उतराई मुझे नहीं चाहिए, बस निवेदन क्या कर रहा हूँ। घाट पर आऊंगा तब घाट वह पार कर देना। और एक निवेदन है मेरा स्वामी, घाट पर घाट ना करना, अरे घाट पर घाट ना करना, अरे मेरा उद्धार कर देना। उस घाट पर मेरे साथ घाट ना करना प्रभु, मेरा उद्धार कर देना। क्यों? क्यों? वो मन के टूटे तारों का अरे तराना मिल गया मुझको। अगली पंक्ति देखें आप, जानकी जी, भगवान राम सोचने लगे ये केवट कितना चतुर है, कितना चतुर है ये। अभी इसने मेरे पैर धो लिए, अपना भी उद्धार करवाना चाहता है, पूरे परिवार को भी तरवा लिया इसने, और फिर भी कह रहा कि जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो मेरा उद्धार कर देना। ये केवट कितना चतुर है। लेकिन देखिए, उससे पहले केवट ने राम जी से क्या कहा, क्या बेटा कहा, हे स्वामी ये उतराई तो मैं नहीं लूंगा आपसे, बस वही मेरा निवेदन आप मेरा स्वीकार कर लेना कि जब मैं आपके घाट पर आऊं तो मेरा उद्धार आप कर दीजिएगा। पंक्ति कह रही है क्या? कि फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब देखिए राम जी क्या सोच रहे हैं, क्या बेटा क्या कहने लगे, हमारे चरण पखार करके मजूरी पहले ही ले ली, बाद सुरसरी उतारा है। मजूरी तो पहले ही ले चुका है, इसके बाद मुझे सुरसरी पार उतारा, और फिर कह रहा है क्या, फिर से अपना हिस्सा लेना चाहता है, फिर से मजूरी लेना चाहता है, और क्या, जबकि पहले ही ले चुका है। तो राम जी सोच रहे हैं क्या, प्रभु भी सोचते कैसा ये सयाना मिल गया मुझको। अरे प्रभु कितना सयाना बन रहा है केवट, आज कैसा सयाना मिल गया मुझको। अंतिम टुकड़ा सुना रही हूं, भैया जी सुने आप। कहने लगे भगवान, क्या बेटा, कहा चरण की
बोले केवट जाओ, मैं भी तुम्हें वरदान देता हूँ, वचन देता हूँ। और कहा क्या, चरण की रज को धो करके प्रीति मन में पिरोया है। और जाओ केवट, मैं तुमको वचन देता हूँ कि चरण द्वापर मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा, मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा। और कहने लगे प्रभु, जन्म अगले का भी कैसा ये बयाना मिल गया मुझको, अगले जन्म का बयाना भी मिल गया मुझे, अगले जन्म का बयाना मिल गया। और बयाना मिल गया कि इस जन्म में मैंने पांव धुलवाए हैं, तो अगले जन्म में मुझे इसके पांव धोने चाहिए। अगले जन्म में वही केवट सुदामा बन करके आए और वही श्री राम कन्हैया बन करके आए। तो भगवान कन्हैया किसी जल से नहीं बल्कि अपने आंसुओं के जल से, अपने नैनों के जल से सुदामा के पांव धो रहे हैं। तो कहा गया, जन्म अगले कभी कैसा ये बयाना मिल गया मुझको, जन्म अगले कभी कैसा बयाना मिल गया मुझको, जन्म अगले के बारे में नहीं कहना है। और क्या, आप लोग कहा करती हैं कि मैं कुछ कहती नहीं और सब कुछ कह भी देती है। और क्या, तो शोले फिल्म की तरह, हाँ। ये शोले में बसंती सब कुछ कहती है, मैं कुछ कहती भी नहीं। हाँ, मेरे तो बकबक करने की आदत ही नहीं। एक बड़ा अच्छा गीत आपका आया है, आराम से हल्ला मचाओ लेकिन कम। गीत आया कौन सा, के खुशी से अपनी आंखों को
आपका गीत कह रहा है सम्मान भैया सोनू भैया जी की ओर से 11-15 हृदय से धन्यवाद है। आप इसी महानगर कानपुर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने कहा है प्रभु के प्रभु चरण प्रभु आपके धोकर खजाना मिल गया मुझको, मेरा जन्मों का वो अवसर सुहाना मिल गया मुझको। ये केवट कह रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने अपने खजाना को द्वापर से भी जोड़ दिया है राखी जी। एक विशेषता और चल रही है कि आपने त्रेता का कथानक द्वापर से जोड़ दिया है, तो मैं भी जवाब में त्रेता का कथानक द्वापर से जोड़ रहा हूं। बाली बाल को राम ने बाण मार दिया, सुने बाली घायल होकर के गिर पड़ा। राम से कहा मैं बैरी सुग्रु प्यारा, कारण कौन नाथ मोहे मारा। फिर भी राम ने कहा कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो उसे पुत्र से देखता है वो बद के योग जाने। तो कहा कि प्रभु तब भी मेरी जाति, मैं कोई मानव नहीं, मैं कोई दानव या देवता नहीं, मैं तो वानर, मैं तो पशु योनि में आता हूँ, और पशु योनियों पे ये आपका नियम आपका कानून लागू नहीं होता है। तो राम ने कहा तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। बाली ने कहा प्रभु नहीं, आप मुझे जीवन दान नहीं चाहिए। देखिएगा कैसे के भला हो भला। एक कहावत है अंध भला तो सब भला, भला हो अंत कर भगवान तो सब कुछ भला होता है, और इसी गति के लिए हर एक और तपसी, इसी गति के लिए हर कोई, हर तपस्वी, हर सन्मात्मा, और इसी गति के लिए हर तपसी और तप में जीवन खोता है, और मरण के वक्त पावन दर्श और तुम्हारा मिल गया मुझको। जिसके धाम को हमें जाना चाहिए, बड़े बड़े संत महात्माओं को सुगत की वो प्राप्ति नहीं हुई, ऐसी परम गति की प्राप्ति नहीं हुई, आज आपके द्वारा हमें ऐसी परम गति की प्राप्ति हो रही है। तो इसे कहा और मरने के वक्त पावन दर्श तुम्हारा मिल गया
और मिली मुझको न कोई शायद पाएगा। क्या बात है। और कहा कि मेरे और मेरे उसको भी सहारा मिल गया और परम कहा के परम वो धाम जाने को और इशारा मिल गया मुझको तो कहना और परम के वक्त पावन दे मिलूंगा मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तुम ब्याज बनकर के आना यहां मैंने तुमको बाण मारा तुम्हारी मृत्यु हो रही है वहां तुम मुझे बाण मार देना वहां मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय। आइए गीत अपनी ओर से दे रहा हूं।